subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Huawei ने आज अपना Honor 8X के लिए इंडिया में बीटा टेस्टिंग जारी कर दी है, जो कि अपडेट मुझे मिल चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप सिस्टम में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए EMUI 9.1.0 अभी मेरा है और ये बीटा वर्जन जो कि Android 10 पर बेस्ड है, EMUI 10 का अपडेट मुझे आ चुका है, जिसका वर्जन है 10.0.0.147 और ये 3.43 GB का है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमको क्या क्या नया मिलेगा। पहला जो इसका यूजर इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज होगा, मैगजीन डिजाइन के साथ आएगा और ये बहुत ही एनिमेशन के साथ भी आएगा, डायनामिक एनिमेशन के साथ। और इसमें GPU टर्बो का फीचर भी ऐड किया गया है, जो कि आपको गेम खेलने में ज़्यादा मददगार होगा। इसमें सिक्योरिटी फीचर्स है और भी इसमें मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा ऐप असिस्टेंट है। और ये जो आप अपडेट करेंगे ये आपका पर्सनल डाटा को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब आपकी पर्सनल डाटा इसको अपडेट करने के बाद इरेज नहीं होगा, फिर भी आप अपना सिक्योरिटी के लिए अपना पर्सनल डाटा को बैकअप रख सकते हैं। और आप EMUI 9.1 पे भी बैक रोल बैक कर सकते हैं ये बीटा वर्जन से, तो इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपका पर्सनल डाटा आपको बैकअप करके रोल बैक करना है। तो चलिए देखते हैं इसको अपडेट करके हमको क्या क्या नया फीचर मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम अपडेट हो चुका है, जो कि अंडर 10 पर अपडेट हो चुका है बीटा वर्जन पे, और ये EMUI 10.0.0 वर्जन है। आप देख सकते हैं कि ये अंडर 10 हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या नया फीचर हमें अपडेट के बाद मिला है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारे आइकन के पास। अब देख सकते हैं कि आइकन जैसा था वैसा है, इसमें सिर्फ एनिमेशन का चेंज आया है जो कि स्मूथ हो चुका है। और इसमें जो दूसरा फीचर आया है वो ये है कि इसमें आपको स्वाइप अप जेस्चर के साथ आया है होम स्क्रीन को जाने के लिए, जो कि पहले बटन के साथ आया था, यहाँ पर एक बटन हुआ करता था। अब आप स्वाइप अप करके अपना सब आपको देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। अब सेटिंग में चलते हैं तो देखते हैं कि इसका जो ऐप आइकन है वो बहुत ही आई कैचिंग और स्ट्रीमलाइन हो चुका है, जो कि पहले में नहीं था। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि बहुत राउंडेड फिगर सा आइकन हो चुका है एंड्रॉइड 10 की तरह, ये बहुत ही आई कैचिंग है और स्मूथ भी ऑपरेट हो रहा है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि हमारा नोटिफिकेशन डबल है। और ये आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन पैनल जो कि हमारे सैमसंग की वन यू आई की तरह हो चुका है, ऊपर में थोड़ा स्पेस है और नीचे से आइकन है, जो कि आपको 100 ऑपरेशन करने के लिए बहुत ही स्मूथ होगा। और दोस्तों इसमें डार्क मोड आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क मोड है। और आप डार्क मोड को ऑन करते हैं तो इसमें सिस्टम वाइड डार्क मोड ऑन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल पूरा डार्क मोड हो चुका है। अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें ऐप में डार्क मोड हुआ है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें डार्क मोड हो चुका है गैलरी में। ये देखते हैं कि म्यूजिक में भी आप देख सकते हैं कि डार्क मोड आ चुका है। तो ये डार्क मोड सिर्फ अभी तक सिस्टम एप्लीकेशन में ही काम कर रहा है, व्हाट्सएप और फेसबुक की जैसे सोशल मीडिया पर यह अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बीटा वर्जन में है। जब ये स्टेबल वर्जन पर आएगा तो ये सभी ऐप में काम करेगा, जो कि आप फोर्सफुली ऑन कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा फीचर इसका ये है कि आप इसका प्राइवेसी वो चेंज हो चुका है। अगर आप प्राइवेसी में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें नया नया क्या फीचर आया है, जो कि परमिशन पर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी इंडिविजुअल आप कौन कौन सी परमिशन आपके फ़ोन का ले चुके हैं, तो आप वो जाके इंडिविजुअली उनको वो परमिशन ग्रांटेड या डिनाई कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो कैलेंडर का ऑप्शन, जो कैलेंडर में मैं कॉन्टैक्ट का ऑप्शन डिनाई कर सकता हूँ,
जो कि मेरा कॉन्टैक्ट स्टोरेज है, अब मेरा कैलेंडर का ऑप्शन एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह हर कोई इंडिविजुअल आपको अपनी तरफ से परमिशन दे सकते हैं या डिनाय कर सकते हैं, जो कि प्राइवेसी के मामले में बहुत ही अच्छा है। और इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो 100 मोड है, जो कि आप एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में जाके ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप 100 मोड ऑन करते हैं तो आप कॉर्नर पे ऐसे स्वाइप करते हैं तो आपका वो 100 मोड ऑन होता है और आप सिंपली एक हैंड पे ऑपरेशन कर सकते हैं आपके फ़ोन को। अभी तक बीटा में इसमें इतना ही अपडेट आया है, तो आगे चलकर देखते हैं कि इसमें और क्या अपडेट हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। थैंक यू।